गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आज से जो है इंटर का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है और मेरे तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने सपने को साकार कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। और जब आप एग्जाम देने जाए तो कुछ बात आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जो ले जाना है, एडमिट कार्ड हो गया, पेन हो गया, जो भी अपना सामान है वो अपना सबसे पहले रख ले, उसके बाद ध्यान से उसको ले जाना नहीं भूले। तो कितना स्टूडेंट का भूल जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान दें। और उसके बाद जो है खाना पीना बढ़िया से खा के जाए, नहीं तो वहाँ पे जाके क्या है, आप जो है नींद आने लगेगा या फिर आपको आलस आने लगेगा या फिर सर दर्द करने लगेगा। तो ऐसा गलती नहीं करें। आप जो है चार पेन ले जाए, दो ब्लू पेन ले जाए और दो ब्लैक पेन ले जाए। ब्लू पेन ब्लैक पेन से हेडिंग लिखा जाता है और ब्लू पेन से क्वेश्चन लिखा जाता है। OMR सीट जब भी आप भरिएगा तो ब्लू पेन से ही भरने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उससे आपका ब्लू पेन से राइटिंग भी अच्छा बैठेगा और ब्लू पेन से ही भरना चाहिए। और जो ब्लैक पेन आप ले जाइएगा उससे आप क्या जो हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग में आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, उससे आपका अच्छा मार्क्स आएगा और आपका कॉपी देखने में अच्छा लगेगा। आपको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन या फिर टेंशन नहीं लेना है कि हम तो लेट हो जाएंगे, हमको तो आता नहीं है, हम क्या चीज लिखेंगे, हम तो पढ़े नहीं है। ये चीज का आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपका सोच पॉजिटिव रहेगा तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। आपको इस वक्त टेंशन नहीं लेना है कि मतलब क्या लिखाएगा, क्या नहीं लिखाएगा, क्या लिखेंगे, हम तो लेट हो जाएंगे, हमको लेट हो गया है, ये चीज आपको नहीं सोचना है। आपको पूरी तरह पूरा पॉजिटिव बन के घर से निकलना है और पॉजिटिव बन के ही वहां पे जाना है। और पॉजिटिव की तरह बस आपका एक ही चीज ध्यान होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर नंबर कट जाएगा, क्योंकि सादा पेज पे नंबर नहीं मिलता है। हर एक क्वेश्चन को टच करना है। अब दो लाइन लिखिए, तीन लाइन लिखिए, चार लाइन लिखिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन को लिखना है। आज हिंदी का है, कल इंग्लिश का है, इसी प्रकार आपका सारा सब्जेक्ट का होगा, साइंस वाला का, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, जो इंटर का एग्जाम है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें आप पॉजिटिव सोच के जाइएगा तो आपका बिल्कुल पॉजिटिव नंबर आएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, घर से खाना पीना खा के निकले आराम से, किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता रहे हैं, गाड़ी में कितना स्टूडेंट क्या होता है, जब गाड़ी में जाता रहता है तो उसमें पढ़ता है नहीं, गाड़ी में पढ़ने से आपके आंख पे जरा पड़ता है और उससे आपका सर दर्द करने लगता है। तो गाड़ी में जब भी आप जाइएगा, कितना एटो से जाती रहती तो देखते रहते पलट के पढ़ते, नहीं पढ़ना है। इतना दिन जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए, उसके बाद अब आपको नहीं पढ़ना है। आप एकदम दिमाग रिलैक्स करके जाइए और एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाइए और आराम से वहां पे लिख के आना है, पढ़ना नहीं है। अगर ऐसे कीजिएगा तो फिर आपका सर दर्द करने लगेगा, फिर सर दर्द करेगा तो आप जो है फिर आप एग्जाम सही से दे नहीं पाएगा। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और हमारे तरफ से, मेगा स्टार कोचिंग सेंटर के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छा रिजल्ट लाइए, आप बेटर रिजल्ट लाइए और अपना सपना पूरा कीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, अपने टीचर का सपना पूरा कीजिए और अपने राज्य देश का। क्योंकि आप अगर अच्छा करते तो सिर्फ आप ही का नाम नहीं होता है, आपके गाँव का नाम होता है, आपके माँ बाप का नाम होता है, आपके टीचर का नाम होता है, आपके समाज का नाम होता है, आपके राज्य का नाम होता है और आपके देश का नाम अच्छा होता है। इसीलिए आप लोग को हैप्पी आप लोग को एग्जामिनेशन जो देने जा रहे हैं, आपको ढेर सारी शुभकामना हो। आप अपने सपना को साकार कीजिए।